इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये मास छोटा एम बड़ा एम, इस क्वेश्चन में रस्सी लगी हुई है, टेंशन है, और ये नीचे और ऊपर कहीं नहीं जा रहा, क्वेश्चन में गिवन है ये रेस्ट पे है, और फ्रिक्शन यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है, और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। तो अगर ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो कितनी फोर्स से करेगा, एम जी साइन थीटा, हालांकि आ नहीं रहा पर आने की कोशिश तो कर रहा है। तो अगर नीचे इसकी टेंडेंसी है मूव करने की, तो इसके ग्राउंड पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, वो कहां करेगी, पीछे, और स्टैटिक होगी क्योंकि चल तो रहा नहीं, कोशिश कर रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रोक रही है, काइनेटिक हो नहीं सकती, स्लाइडिंग तो है नहीं, स्टैटिक। तो ये रही स्टैटिक फ्रिक्शन F2, टेंशन TNT, ये ब्लॉक भी इसके साथ इधर आने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां होगी, लेफ्ट, और वो भी स्टैटिक क्योंकि चल तो रही नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है सिस्टम रेस्ट पे, तो इसकी फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितनी है, F1। फ्रिक्शन सेम क्यों नहीं कोई बताएगा, F2 F1 क्यों लिया, F और F क्यों नहीं ले लिया, जगह तो वही है, रफनेस तो वही है, नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग है, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, Mg, और इसका क्या बनेगा, Mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन अलग है, राइट, क्लियर है यहां तक। तो क्योंकि ये रेस्ट पे है तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, T इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1, और F1 क्या है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन Mg, फर्स्ट इक्वेशन। ये भी रेस्ट पे है तो नीचे की फोर्स क्या है, Mg sin थीटा, और ऊपर की फोर्स क्या है, T, एक और फोर्स है F2। तो नीचे आने की फोर्स Mg sin थीटा इज इक्वल टू T प्लस F2, और F2 क्या होगा, म्यू टाइम यहां का नॉर्मल रिएक्शन, यहां का नॉर्मल रिएक्शन क्या, Mg cos थीटा। इस T की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर दें, जब आप यहां पुट करेंगे आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ M बाई M, तो ये इक्वेशन आ गई, कैपिटल M बाई छोटे M की रेशियो निकालनी है, काम करें दोनों साइड्स को छोटे M से डिवाइड कर दें ताकि अपने आप M बाई M बच जाए, तो यहां से कट गया M बाई M, M बाई M, M बाई M, M बाई M से रेशियो ये कॉमन आ गई, तो क्या बचा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, सॉल्व करके क्या आ गया, M बाई M की रेशियो आ गई। मेथड समझ में आ रही है, ये मैथ्स है, इक्वेशन समझ में आ रही है, कौन किसके इक्वल होगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहां तक, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया कि अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं फोर्सेस किसके इक्वल होती हैं, और टैन थीटा ग्रेटर देन म्यू, हमने कर लिया ये प्रॉब्लम, ये हमने कर ली थी, ये हमने अभी करनी है। कंपटीशन के अंदर ये टाइप का प्रॉब्लम बहुत बहुत बार आता है मेंस में और नीट में भी, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि आपके आपके पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं कितनी, 12 न्यूटन, ऐसे ऐसे, और ये दीवार है, दीवार के साथ ब्लॉक रेस्ट पे है क्योंकि आपने इसको फोर्स लगा के रखा हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर ये आपके सामने दीवार है, आप एक बॉक्स एक किताब रख दो और मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं, दीवार में फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या मैं उस किताब को रोक पाऊंगा, क्या मैं रोक पाऊंगा ऐसे, हाँ या ना, कोई कहता है ऐसे फोर्स लगा दूंगा दबा के रोक पाऊंगा, नहीं रोक पाऊंगा, हाँ या ना, कितने लोग बोलते हैं रोक पाऊंगा, कितने कहते हैं नहीं, ऑनलाइन रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं है, नो सर, नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। अब आप एक बात बताओ कैसे रोक नहीं पाएंगे, आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, पूरा हाथ रख दूंगा यहाँ पे किताब के ऊपर, कैसे रुकेगा, नहीं प्रॉब्लम है, नहीं रुकेगा तब भी, रीजन क्योंकि जब तक फ्रिक्शन नहीं है वो टिक नहीं सकती बॉडी, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी को गिरना कहाँ है, नीचे, कौन गिरेगा, वेट, तो बॉडी का वेट क्या है, नीचे, आप क्या फोर्स लगा रहे हो, हॉरिजॉन्टल, मतलब आपके सामने आपका दोस्त नीचे से गिर रहा है स्लो मोशन में, ऊपर छत से नीचे गिर रहा है, आप बचाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, गिरते गिरते दोस्त को ऐसे मारोगे, नहीं मारोगे, या तो ऐसे या फिर ऐसे वर्टिकल, या तो ऐसे या ऐसे, ऐसे होगा, आप ऐसे तो नहीं करोगे कि तो वो ऐसे फोल्ड बच जाए, नहीं बचेगा भाई, वो इधर गिर जाएगा, समझ में आ रहा है, नहीं गिरेगा। तो क्योंकि इसको रोकने के लिए फोर्स अपवर्ड ही चाहिए, और वो सिर्फ फ्रिक्शन ही फोर्स है जो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर सकती है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कभी भी बैलेंस नहीं करेगी डाउनवर्ड फोर्स को, क्लियर है, तो नहीं टिका पाओगे, पहला पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन है, 12 न्यूटन की फोर्स मैंने इस पर लगाई, फ्रिक्शन प्रेजेंट थी,
ये एक सरफेस है। तो इस किताब ने या ब्लॉक ने इस दीवार पे 12 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो बदले में दीवार ने भी उल्टा रिएक्शन लगाया। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगा? 12 न्यूटन। 12 दोगे 12 लोगे, बात खत्म। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन बोलो कितना है? 12। निकालना क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स, ब्लॉक की कॉन्टैक्ट फोर्स। दो किस्म की कॉन्टैक्ट फोर्सेज आज सिखाई आपको। पहली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो कॉन्टैक्ट बॉडीज में आने की वजह से, और दूसरी नॉर्मल रिएक्शन। तो एक इस ब्लॉक पे फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आ गई, और एक क्या एक्ट करेगी? फ्रिक्शन। कहां? ऊपर, क्योंकि वेट चाहेगा कि ब्लॉक नीचे जाए, फ्रिक्शन क्या करेगी? ऊपर। तो अगर मैं आपको फ्रिक्शन की वैल्यू बता दूं, इसमें जितनी भी वैल्यू है, ये पहली कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, मान लो ये एफ है, और एक दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्स होगी कितनी? एन है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। वही आज किया था वेक्टर सम, तो पहले हम ड्रॉ करके वेक्टर सम इज द आंसर। तो नॉर्मल रिएक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 12, सिर्फ मुझे क्या बतानी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब एक केस ये भी तो हो सकता है, मैंने बोला कि यहां ना फ्रिक्शन प्रेजेंट है, अब आप लगाओ 12 न्यूटन की फोर्स, क्या आप इसे टिका पाओगे कि नहीं? फ्रिक्शन प्रेजेंट है, हाँ जरूरी नहीं है, फ्रिक्शन कमजोर थी, फ्रिक्शन थी 0.1 न्यूटन, स्लिपरी थी, हल्की हल्की फ्रिक्शन थी, वेट ज्यादा था, अब तब भी टिका नहीं पाओगे। अब कब टिका पाओगे? जब आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट के इक्वल हो या उससे बड़ी हो। वेट कम होना चाहिए, फ्रिक्शन बड़ी होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, तब भी टिक जाएगी। अब क्वेश्चन में रेस्ट पे गिवन है डायग्राम, तो ये बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की है, तो फ्रिक्शन क्या एक्ट करेगी? ऊपर। अब कितनी एक्ट करेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे को इस सरफेस का म्यू गिवन है, नॉर्मल रिएक्शन 12 गिवन है, मैंने F is equal to mu into N लगाया, आंसर क्या आया? 7.2 न्यूटन। इस बॉडी को दीवार के साथ सरकाने के लिए कम से कम फोर्स आपको लगानी पड़ेगी 7.2 न्यूटन, टू ओवरकम 7.2 न्यूटन वेट को 7.2 से ज्यादा ही होना पड़ेगा। लेकिन वेट है कितना? 5 न्यूटन, और हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 7.2 न्यूटन। दिस इज अ प्योर केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हिलाने के लिए 7.2, आपने कितना लगाया? 5, तो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी हो जाएगी? 5, 7.2 नहीं होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? 7.2 से ये बता रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए होगी इसको यहां से हटाने के लिए, पर आपकी फोर्स तो कम है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर 7.2 नहीं है, यहां पर 5 है। तो एक 5 है, एक 12 है, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा 5 और 12 का? 13। आंसर 13 न्यूटन इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में, समझ में आ रहा है यहां तक? कई लोग ये गलती कर जाते हैं, वो फोर्स यहां तक समझ में आता है उन्हें, पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो 7.2 पुट कर देंगे। वो इसलिए कर देंगे 7.2 क्योंकि उनको लगा कि एफ इज म्यू आ लगा तो दिया, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि 7.2 तो वो फोर्स थी जिससे कि हिलता, पर हमने तो 5 ही लगाई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 ही लेनी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। तो आंसर ऑब्जेक्टिव में 13 न्यूटन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। अब एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये इस प्रॉब्लम में आपको ना एक लिफ्ट ये गिवन होगा, मूविंग बेल्ट गिवन है। मेरे को एक चीज का आंसर दो। ये सपोज एक बेल्ट है, जैसे वो एयरपोर्ट्स पे लगी होती है, लांटे में लगी हुई है, बेल्ट ना चलती जाती है पुली के ऊपर ऐसे ना घूम के, हमें सिर्फ ये डायग्राम दिख रहा होता है ऊपर वाला, नीचे नहीं पता क्या हो रहा है, पर पुली लगी होती है इसके अंदर, आप एक बार खड़े हो जाओ आप साथ चलते हो। लेकिन जब आप एक बार खड़े होते हो ना, आपको हल्का सा झटका लगता है। बच्चे तो डरते बहुत है, मैं गिर जाऊंगा, और गिर भी जाते हैं। बड़े हैं वो, उनको पता है रिलेटिव वेलोसिटी है, जितनी स्पीड पे वो चल रही है हम भी स्पीड पे चल रहे हैं, नहीं झटका लगता नहीं है। पर अगर आप जंप करो चलती इस लिफ्ट के ऊपर या इस बेल्ट के ऊपर, आप गिरोगे, क्योंकि आप मोशन में नहीं हो, या आप ऐसे ही पैर रख दो झटका लगेगा। क्यों? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बेल्ट के कॉन्टैक्ट में आएगा जो कि मोशन में है, लेकिन आपका पार्ट तो अभी आप जो है आप तो रेस्ट पे थे, आपको झटका लग सकता है फिर। लेकिन अल्टीमेटली आपको बेल्ट की स्पीड के साथ आपको जाना पड़ता है, यही होता है। इस क्वेश्चन के अंदर एक बेल्ट घूम रही है, किसी ने क्या किया, इस बेल्ट के ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया, प्लेस किया, U is equal to 0, बेल्ट चल रही थी V के साथ, चलती बेल्ट के ऊपर ड्रॉप कर दिया। अब क्या होगा थोड़ी देर में, और फ्रिक्शन प्रेजेंट है। सोचो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट ना होती तो क्या सिचुएशन होती, बोलो क्या होता? क्या ये ब्लॉक आगे मूव कर पाता? तो क्या होता? वहीं पड़ा रहता, नीचे से बेल्ट चलती रहती,
फ्रिक्शन है ही नहीं, जोड़ ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं बने, तो लेके कौन जाएगा? कोई भी नहीं, नीचे खिसकती जाएगी बेल्ट, ब्लॉक वहीं रहेगा। पर ऐसा होता नहीं है, फ्रिक्शन सोचना भी मुश्किल होता है हमारे लिए, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज की फ्रिक्शन तो है ही। पर अगर इसमें फ्रिक्शन है तो क्या होगा? आपने तो उसको यू इक्वल टू जीरो पे रखा था, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी जितनी बेल्ट की वेलोसिटी है। फिर आराम से, जैसे एयरपोर्ट पे वो ब्रीफ केस देते हो या आप कोई सामान देते हो, चल रहा होता है, शुरू में एक बार झटका लेता है, बाद में अपना चल रहा होता है, ऐसे होता है। फिर बेल्ट की आपकी सामान की वेलोसिटी सेम हो जाती है, पर यहां से यहां जो झटका सा लगता है कुछ टाइम के लिए, तो बॉडी क्या कर रही होती है? एक्सेलरेट, राइट? बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। वो ये, सपोज करो आपको किसी क्वेश्चन में मैंने कहा कि एक ब्लॉक है, केस नंबर वन, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक एक सड़क के ऊपर मैंने गेर दिया, ये लो गेर दिया, सड़क पे फ्रिक्शन थी, तो क्या ये हमेशा चलता जाएगा? नहीं। अगर इस ब्लॉक की स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है और थोड़ी देर में ये रुक, इसको रुकना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन इसे रोक देगी, मानते हो इस चीज को? तो कौन सी फोर्स इसको रोक रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या वो फोर्स एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी कि रिटार्डिंग? रिटार्डिंग क्यों? क्योंकि स्पीड क्या हो रही है? कम, तो रिटार्डेशन है। तो इसमें जो फ्रिक्शन की फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ क्या है? रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है इस केस में? म्यू टाइम्स एमजी, म्यू टाइम्स एमजी। रिटार्डिंग फोर्स क्या है? एम ए। क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन रिटार्डिंग है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अगर एक्सेलरेटिंग होती तो साइन क्या आता? पॉजिटिव। इक्वेट करके एक्सेलरेशन क्या आएगी? माइनस म्यू जी, माइनस रिटार्डिंग फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? रिटार्डेशन। तो आपके सामने ही है, स्पीड वी से जीरो हो गई, या जीरो से 7 से 0 हो गई, रिटार्डेशन हो गई इसमें। तो फ्रिक्शन यहां पर क्या एक्ट कर रही है? रिटार्डिंग फोर्स। क्या है पहला पॉइंट? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन में बॉडी घिसटती हुई जाती है और स्पीड जीरो कर लेती है, रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू इसमें क्या है? माइनस म्यू जी, रिटार्डेशन। लेकिन दूसरा केस देखो, दूसरा केस है, ये आपके सामने एक बेल्ट है। इस बेल्ट, या बेल्ट से भी बेटर एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो ये आपके सामने एक ब्लॉक है, इसके ऊपर भी एक और ब्लॉक है, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, नहीं है, और यहां पे फ्रिक्शन है। मैंने यहां पे फोर्स लगाई एफ, फ्रिक्शन जबरदस्त थी इसमें, तो ये वाला ब्लॉक भी कहां जाएगा बताओ? M2 तो राइट जाएगा, जाएगा। M1 कहां जाएगा? ये भी राइट जाएगा। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसको पकड़ के रखेगी, ये भी साथ निकल जाएगा, होता ही ऐसा। तो मुझे एक चीज बताओ, M2 के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? बैकवर्ड, ये रहा स्मॉल f, और इसके लिए कहां एक्ट करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में f। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f एंड f, पुट आउट इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसको अपोज कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है, तभी तो आगे जा रहे है। इसके लिए फ्रिक्शन एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है। देखो फ्रिक्शन ने अपना रूप चेंज कर लिया, किसी के लिए तो एक्सेलरेटिंग है और इसके लिए ये रिटार्डिंग है, मोशन को रिटार्ड कर रही है, रोक रही है, उसको हेल्प कर रही है। तो कभी हेल्प करती है, कभी अपोज करती है, डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ऊपर वाले को फायदा हो गया, दूसरे वाला अपोज में चला गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी क्वेश्चन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेटिंग है, हेल्प कर रहा है, और किसी में रिटार्ड कर रहा है। जिसमें तो बॉडी घिसटती हुई आ रही है उसमें पक्का रिटार्डेशन है, और जिसमें बेल्ट के ऊपर बैठ के आगे जा रही है उसमें एक्सेलरेशन है। तो अब बेल्ट वाली प्रॉब्लम क्या है? बेल्ट वाली प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास ये एक बेल्ट है, ये बेल्ट है, बेल्ट का मतलब इमेजिन करो ये नीचे एक ब्लॉक की तरह बेल्ट है, और ऊपर आपने क्या रख दिया? वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो पे एक ब्लॉक को रखा, कुछ देर के बाद ये बेल्ट की वेलोसिटी को एक्वायर कर गया, तो ये क्या कर रहा है? रिटार्ड की एक्सेलरेट,
जीरो से वेलोसिटी वी हो रही है तो क्या कर रहा है, एक्सलरेट क्यों कर रहा है, मैंने तो नहीं इसको कहा एक्सलरेट कर रहा है। क्या प्रेजेंट है यहां पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है म्यू टाइम्स एम जी वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्सलरेटिंग है। तो इस ब्लॉक के लिए एक्सलरेटिंग है इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से एक्सलरेशन क्या आएगी, म्यू जी। घिसटता हुआ ब्लॉक आता तो एक्सलरेशन माइनस म्यू जी, साथ चल पड़ा तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू प्लस म्यू जी। और ये नहीं समझ में आता कि एक्सलरेटिंग या रिटार्डिंग, वेलोसिटी से पूछ लो, ब्लॉक से पूछ लो, तेरी वेलोसिटी क्या हुई, बड़ी की कम हुई, वो कहता बड़ी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें एक्सलरेटिंग है, और अगर वेलोसिटी कम हो गई तो इसका मतलब रिटार्डिंग है। वेलोसिटी की वैल्यू भी आपको बता दे, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू देख के भी आप जज कर सकते हो कि क्या होगा, राइट। अब हुआ क्या, इस क्वेश्चन के अंदर एक बेल्ट पे आपने एक ब्लॉक को रखा, तो थोड़ी देर के बाद से बेल्ट की वेलोसिटी एक्वायर कर ली, आपको बेल्ट की वेलोसिटी बतानी है, जब टाइम टेकन 4 सेकेंड है, इसको 4 सेकेंड लगे यहां से यहां आने में, और आपको क्वेश्चन म्यू गिवन है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन हेल्प कर रही है ब्लॉक को आगे करने के लिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे होगी, हाँ बेल्ट के ऊपर पीछे होगी, मैं दिखा नहीं रहा, ब्लॉक को आगे बेल्ट को पीछे, राइट। तो म्यू टाइम एम जी एम में एक्सलरेटिंग है, तो एक्सलेशन की वैल्यू निकाल लोगे, फिर ब्लॉक के लिए वी यू प्लस ए टी में यू 0 है, एक्सलेशन निकाल लिया, टाइम 4 है, आंसर। तो बेल्ट की वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, इसमें 8 हो जाएगी, ब्लॉक की वेलोसिटी 8 तो बेल्ट की वेलोसिटी भी 8।